मैदे के पेठे या इसे शक्करपारे कहते हैं, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे महीने भर भी आप बना के स्टोर कर सकते हो। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि बिना दांत वाले भी इसे आराम से खा सकते हैं। शक्करपारे के ऊपर चीनी की कोटिंग करने के लिए हमें जितना मैदा लिया है उतनी ही चीनी लेनी होती है, पर यहाँ पे हमने आधे से भी कम चीनी में इसे बना लिया है। तो कम चीनी वाले ये शक्करपारे, सॉफ्ट शक्करपारे बनाना बहुत ही आसान है। इन शक्करपारों को आप कभी भी बना के रख सकते हो और खाने में ये बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा। यहाँ पे आप आटा भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, या नाप में इसे 500 ग्राम मैदा कहेंगे। 500 ग्राम मैदा में हमने 1/4 चम्मच डाला है नमक। मीठे के साथ थोड़ा नमकीन हो तो अच्छा रहता है। यहाँ पे मोरन के लिए हम घी लेंगे, जिसे हमने मेल्ट कर लिया है। यहाँ पे 1 कप के हिसाब से हमने 1/4 कप मोरन दिया है, तो यहाँ 2/4 कप हम मोरन का देंगे। पहले 1/4 कप देंगे, इसे हम अच्छे से हाथों से मसल देंगे। आटे के अंदर तक हमें घी को बैठा देना है। फिर इसके बाद हम दोबारा से फिर 1/4 कप इसमें घी देंगे, तो मोरन हमें अच्छे से इस आटे के अंदर बैठाना है। हाथों से रगड़ रगड़ के इस मोरन को पूरे आटे में बैठा लेना है। तो यहाँ पे हम फिर से 1/4 कप घी देंगे इसमें मोरन के लिए। ये देखिए, अच्छे से हमने हाथों से मुट्ठियों से इस आटे में मोरन को बैठा दिया है। इस शक्करपारे में मोरन जितना अच्छे से देंगे उतने सॉफ्ट और मुलायम शक्करपारे बन के तैयार होंगे। तो ये मोरन के हिसाब से शक्करपारे बनेंगे। जितना अच्छा मोरन होगा उतने अच्छे शक्करपारे बनेंगे। तो हमें हाथों से मसल के मोरन को अच्छे से आटे में बैठा देना है। जब ये पूरी तरीके से अंदर बैठ जाएगा घी, तो देखिए इस तरीके से लड्डू बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कि मोरन अच्छे से लग चुका है। अब हमें इसे रोटी के आटे के जैसे गूंदना है। तो यहाँ पे हम पानी का यूज़ करेंगे, गर्म पानी का। थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे ताकि इसमें जो घी है वो जमे नहीं और अच्छे से इसमें मेल्ट होकर रहे। थोड़ा सा गर्म पानी देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम हाथों से इसे, जैसे हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगा लेंगे। हमें यहाँ पे सॉफ्ट आटा लगाना है, ज़्यादा हार्ड आटा नहीं लगाना है। सॉफ्ट होगा तो उतने अच्छे शक्करपारे बनेंगे, हार्ड होगा तो वो उतने सॉफ्ट शक्करपारे नहीं बन पाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी दे के इस आटे को हमें अच्छे से गूंद के लगा लेना है। जैसे हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं ना सॉफ्ट वाला, वैसे ही आटा हमें यहाँ पे लगा के तैयार कर लेना है। तो ये आटा हमारा देखिए लग चुका है। इस आटे को हम जमा करके अब थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख देंगे। थोड़ी देर में जैसे ही आटा फूल जाता है तो इस आटे को हम फिर से निकालेंगे और जहाँ पे हमें इस आटे को लगाना है या बेलना है उस जगह पे हम इसे अच्छे से फिर से हाथ से मठार लेंगे, ताकि अच्छे से इसके अंदर जो मोरन है वो बाहर नहीं निकले। ज़्यादा इसको मठारेंगे तो इसके अंदर का मोरन बाहर आ जाता है। तो सिर्फ हल्के हाथों से हमें इसे गोल करना है और गोल करके हमें इसे बेलन से बेल लेना है। ज़्यादा इसे हम मचलेंगे नहीं, नहीं तो फिर मोरन बाहर आ जाएगा। हल्के हाथों से हमें इसे गोल गोल बेल लेना है। जितने मोटे आपको शक्करपारे चाहिए उतनी मोटी रोटी आप यहाँ पे बना लीजिए। इन शक्करपारों को बनाने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी सामान चाहिए हमारे किचन में मिल जाते हैं। आटा, चीनी, घी, तेल, नमक, सिर्फ इन 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये शक्करपारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो कभी भी कोई भी मेहमान आए, त्यौहार हो या फिर कभी भी खाने की ज़रूरत हो, नाश्ते में, टिफ़िन में, किसी भी चीज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और हमने जितने मोटे हमें शक्करपारे चाहिए उतने मोटे हमने रोटी को बेल लिया है। बेलने के बाद इसे हम चाकू से जिस शेप में हमें चाहिए उस शेप में हम इसे काट लेंगे। यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में बनाए हैं, छोटे छोटे स्क्वायर शेप में बनाए हैं इनको। आप इसे ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं, डायमंड शेप में भी बना सकते हैं। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे काट लीजिए। शक्करपारों को यहाँ पे हमने स्क्वायर शेप में काट लिया है, काट के तैयार कर लिया है। इन्हें हम अब थाली में निकाल लेंगे। इधर गैस पे हम तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो चुका है।
फिर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। यहाँ जो लास्ट में थोड़ा सा बचा था उसे भी हम बेल लेते हैं। जितना मोटा हमने पहले शक्करपारे बनाया है उतना ही मोटा इसे भी रखेंगे। ये साइड से निकला हुआ थोड़ा सा बच गया था तो इसे भी हमने बेकार नहीं फेंका है। इसे भी ट्रायंगल शेप में काट के उनके साथ ही मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है और इस तेल में हम अभी ये शक्करपारे डाल देंगे। यहाँ पे अभी हम इन शक्करपारों को नहीं लाएंगे, ये बाद में अपने आप तल के अलग हो जाएंगे। ये जो अभी चिपके हुए हैं सारे तल के अलग हो जाएंगे, तो अभी बीच में हमें इसे छेड़ना नहीं है, नहीं तो ये फिर इनका शेप बिगड़ जाएगा। ये तलचे जाएंगे और अलग होते जाएंगे, तो हमें गरम तेल में इसे अभी एक बार छेड़ना नहीं है। गरम तेल में थोड़ी सी देर के लिए इसे तलने देते हैं, फिर ये अपने आप अलग हो जाएंगे। इसके बाद हम इनको चम्मच से हिला सकते हैं। तो देखिए सारे अलग हो चुके हैं और कितने अच्छे से शेप में आ गए हैं। जितने शेप में हमने इनको काटा है उससे डबल शेप में ये हो जाएंगे फूल के। तेल में तलने के बाद ये फूल जाते हैं, तो जिनके जितना हमने शेप इसका काटा था उससे डबल हो जाएंगे। और लाइट ब्राउन होने तक हमें इन्हें तेल में रखना है, उसके बाद निकाल देना है। अगर आपको कलर डार्क चाहिए तो थोड़ी देर और रख लीजिए तेल में, तो ये डार्क हो जाएंगे। यहाँ पे हमें लाइट ही चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो हम इसे थोड़ा सा लाइट होते ही इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे और ये सब शक्करपारे जो है हमारे अच्छे से तल के तैयार हो जाते हैं। तो लीजिए ये शक्करपारे तल के तैयार हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इन्हें निकालने के बाद जो बाकी बचे हैं उन्हें भी हम कढ़ाई में डाल देंगे तलने के लिए। तो इसी तरह से हमें उन्हें भी तल लेना है, लाइट ब्राउन होने तक तल लेंगे। इन्हें अच्छे से तल के निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो ये ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इन्हें अंदर तक अच्छे से सेक लेना है। शक्करपारे को हमने लाइट ब्राउन होने तक सेका है। यहाँ पे आपको डार्क लाइक जैसे चाहिए वैसे आप सेक सकते हैं। राजस्थान की ये प्रसिद्ध मिठाई है जो हर घर में बनती है, इसे हर कहीं बनाया जाता है। सफ़र में हो तो इन्हें बना के ले जाया जाता है, नाश्ते के लिए भी इन्हें बना के रखा जाता है, जब बच्चों को टिफ़िन डाला जाता है उसमें भी ये बना के रख लेते हैं। तो ये वहाँ की बहुत प्रसिद्ध है पेठा, इसे हम शक्करपारा कहते हैं और इसे राजस्थान में पेठा कहते हैं। तो देखिए हमने दूसरी खेप भी अच्छे से तल के निकाल ली है। ये पेठा हमारा तल चुका है, तो यहाँ पे हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। 2 कप मैदे में यहाँ पे हम चीनी लेंगे, 1/2 कप से भी ज़्यादा, 1 कप से कम, 1/2 कप से ज़्यादा चीनी लेंगे। और जिस कप से हमने मोरन दिया था उसी कप से 2 कप पानी दे देंगे इसमें। इसके बाद गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे। चीनी को पानी में अच्छे से मिला लेना है, थोड़ी सी मिल जाएगी तो इसमें हम जिस नाप से हमने मोरन दिया था उसी नाप से 1 कप पानी और दे देंगे इसमें। तो इसे हम फिर से चीनी में मिलाएंगे और एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे पिसी हुई इलायची। इलायची का भी चाशनी में सेंट अच्छा आता है, तो यहाँ पर आप इलायची थोड़ा सा डाल दीजिए, कुटी हुई इलायची डाल दीजिए या इलायची का पाउडर डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, इसमें सेंट आ जाएगा। तो इस चाशनी को हमें तैयार करना है 1.5 तार तक, तब तक हम इसे उबालेंगे। यहाँ पे आप चीनी की जगह गुड़ भी दे सकते हैं, गुड़ की भी चाशनी बना सकते हैं, गुड़ के भी शक्करपारे बनते हैं, पर यहाँ पे हमने चीनी दिया है। चीनी की चाशनी को हमें अच्छे से तैयार करना है, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि चीनी चिपके नहीं, और कढ़ाई में एक साथ चलाते हुए इसकी 1.5 तार की चाशनी हमें तैयार कर लेनी है। जब तक कि हाथों में 1.5 तार बैठे ना तब तक हमें इस चीनी के पानी को उबालते रहना है। जैसे पेठे में मोरन की आवश्यकता होती है एकदम सही, वैसे ही इसमें चाशनी की भी ज़रूरी होती है, एकदम सही चाशनी बन जानी चाहिए। तो देखिए चीनी को उबालते उबालते इसमें मोटे मोटे झाग आने लग गए हैं, तो इसका मतलब चाशनी बन के तैयार होने वाली है। यहाँ पर देखिए इसका ड्रॉप है जो बहुत धीरे धीरे गिर रहा है, इसका मतलब कि ये चाशनी बनने वाली है। तो देखिए कितने मोटे झाग आए हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये चाशनी पानी की प्लेट में 1 ड्रॉप गिराएंगे, अगर चाशनी चिपक जाती है वहीं पे तो इसका मतलब चाशनी अच्छे से बन चुकी है। तो इस चाशनी में हम ये पेठे डाल देंगे और इन्हें चलाते रहेंगे,
यहाँ पे आँच को हमें तेज़ रखना है। जैसे ही चाशनी के अंदर इस पेठे को डालेंगे, एक जैसे चलाते रहेंगे और आँच की वजह से चीनी जो भी है सूखती जाएगी। यहाँ पे देखिए एक भी चीनी का दाना नहीं बचा है और ये सारी चीनी जो है इस पेठे में ऊपर तक चढ़ चुकी है। और इसी जहाँ पर चीनी की चाशनी बनाते हैं फिर से वो चीनी के रूप में बदलने लग जाती है, उसी स्टेज पे हमें पेठे को इसमें डाल देना होता है, तो वो सूख के फिर पेठे पे चढ़ जाती है, तो हमारे पेठे बनके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए चम्मच में चीनी किस तरह से सूख के चिपक चुकी है, इसका मतलब ये पेठे की चाशनी पूरी अच्छे से बन चुकी है। और ये इसकी आवाज़ सुनिए, देखिए कितनी आवाज़ हो रही है इस चाशनी के कारण पेठों में, पर ये सॉफ्ट बहुत बने हैं ये पेठे। तो इस तरीके से आप चाशनी वाले पेठे बना के ज़रूर देखें। ये रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट बने हैं, इस तरीके से पेठे आप बना के ज़रूर देखें। आगे आने वाले त्यौहार में इस तरह के पेठे को ज़रूर बना के देखें। और ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लास्ट में इतनी सी चीनी बची थी जो हमने अलग कर ली है पेठों से।